चैप्टर नंबर 19 आ जो नालो एटॉमिक स्ट्रक्चर इन जो को टॉपिक आ वो 19.1 इन नालो एटॉमिक एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस आज अपने हम फ्रेंड्स का एटम ते एटम छ है एटम जो का वो मैटर जो का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ इन पार्टिकल जो को इन पार्टिकल में अंदर भी कुछ न्यूट्रॉन जो का वो मौजूद है उन वो जो का इन जो का बाहरी शेल आ उन में बाहरी शेल होंगी उन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर जो शेल होंगे वो उनके न्यूक्लियस चुनाव न्यूक्लियस हों उन में जो न्यूट्रॉन्स होंगे ये प्रोटॉन्स होंगे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन उन में चाहे माइनस चार्ज होंगी जो प्रोटॉन उन्हें प्लस चार्ज होंगे बाकी जो न्यूट्रॉन उन में का भी चार्ज ना होंगे का भी चार्ज छो ना होंगी वो न्यूट्रल छो हों वो तक अगत हली बुझाई जो एटम आने के एटम आने भी माइक्रोस्कोप से ना ऐसी तो वो एतो नंढो आम अक्सर नो पर माइक्रोस्कोप से भी ना ऐसी सो एडो नंढो एक पेन खड़ो उन पेन के करोड़ एटम से मिली कर पेन ठही है ये जो कॉफी है कॉफी के खड़ा ये कॉफी इलाही मतलब एटम से मिली कर ठही है तो एक आम एटम मतलब एक एटम के तो एक सिंगल एटम के ना माइक्रोस्कोप से दर्शी सो ही वरी आम अक से दर्शी सो उन्हें स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन जो सिंपल सभी में सिंपल एटम आ हाइड्रोजन आ कद पीरियडिक टेबल में भी अकेलो हों पॉइंट अचे तो एटम जो अद का खाली हों मतलब उनमें मास जो घट हों तदन चाहे सभी में सिंपलेस्ट एटम आ हाइड्रोजन तद एटम के खास कर डिफाइन कर हाइड्रोजन जो ही एग्जाम्पल वो वो बो हाइड्रोजन जो उनकी सैम्पल आ वो एच ये सब शन उ रदरफोर्ड बुधाऊँ रदरफोर्ड ये सब शे क्लियर क्यों वरी उन्हीं स्टूडेंट्स गणी एंड मस्टिडिस समझो एक इंसान नाला इन्हें स्टूडेंट्स गणी एंड मास्टर्स इनके वरी एक एक्सपेरिमेंट से जाहिर क्यों वरी इनमें ये एक्सपेरिमेंट में क्यों तो एक पार्टिकल खड़ी आया उन पार्टिकल जो वो रिंग टाइप हो गोल शेप जो हो इन इन्हें रिएक्ट कराया रिएक्शन कराया एक सोर्स से इन इन्हें अल्फा रेजेस के कड़ो इन पार्टिकल में अगत वही गोल्डन फोल्ड पार्टिकल जो रिएक्शन तो कर सोर्स पे पैदा कर अगत हली मतलब रेस के जरिए वनता जैसे गामा रेस पे अचों उगत हली रिंग लाइट शेप उनके विच में एक फोल्ड रखें जैसे असर गोल्डन फोल्ड चाहता हूँ हि उनमें टकराव की अगत पी वन कुछ तो अगत हली पी वन पर कुछ जो रेस वापस पी अचन इन योजना एटम जो एक खुले कर एग्जाम्पल दिनों हाँ बो एक एटम आटम चाहूँ तो इन अदम मतलब 90% हिस्सा इम्पटी मतलब खाली है मार्क्स ये सर्कल ये समझो मार्क्स हाँ रेजिस रेजिस अद का पास भी वन एकड़ी रेज आ जो सिर्फ एकड़ी रेज वो न्यूक्लियस में टकराज वरी वापस थी वन 180 डिग्री से वापस थी वे बो रेसिस हटी थी वन बस रेजिस अगत हली थी वन बाकी कुछ जो रेसिस उन न्यूक्लियस के बिल्कुल बरसा का गुजरन तो उन थोड़ी ये साइड थी वन मतलब थोड़ी ये टेढ़ थी वन पर उ भी निकी वन थी रेज आ सिर्फ न्यूक्लियस से टकरा बू एकदम सीधी थी वन कुछ ये साइड से थी वन जो न्यूक्लियस का बिल्कुल बरसा का थी गुजरन इो जो एक्सपेरिमेंट कर रदरफोर्ड।